सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये है कटेरी का प्लांट। दोस्तों कटेरी कांटे नुमा पौधा होता है। तो दोस्तों इसे संस्कृत में कटुपर्णी बोलते हैं, स्वर्णशीरी बोलते हैं, छीरणी बोलते हैं, और हिंदी में सत्यानाशी बोलते हैं, कटेरी बोलते हैं, चौक भाड़ भाड़ पिसोला बंगाली में स्वर्णशीरी, छीरणों सुरई और चौक मराठी में काटो घोत्रा, फिरंगी और घात्रा गुजराती में दारुणी, अरबी में कवाच पिसला। तो दोस्तों ये औषधि पौधा जो है संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है दोस्तों। और ये कांटेनुमा पौधा दोस्तों एक खरपतवार है, ये कहीं भी पथरीले ज़मीनों में कहीं भी उग जाता है दोस्तों, और ख़ासकर रोडों के किनारे, जंगलों के किनारे या खाली पड़ी भूमि में प्रायः ये उग जाता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग है दोस्तों इस कटेली कांटे का, कांटेनुमा पौधे का, क्योंकि देखो पूरे पत्ते में कांटे हैं, इसके डिगालों में कांटे, हर जगह कांटे दोस्तों, फलों में कांटे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फलों में भी कांटेनुमा बिल्कुल कांटे लगे होते हैं। और वो दोस्तों इसके फूल देख लीजिए, पीले फूल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग है दोस्तों इसका, और देख लीजिए संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है ये औषधि दोस्तों, और जिसे अपन कांटे समझ के छोड़ देते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग है दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसे जिनको भी धातु की समस्या है, पुराना सब पुराना धातु रोग है दोस्तों, तो उस बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग है दोस्तों इसको। तो धातु रोग में दोस्तों इसका जड़ का सेवन करना चाहिए मिश्री के साथ, इसका जड़ ले लो दोस्तों और मिश्री के साथ सेवन करो, एक सप्ताह में दोस्तों पुराना सा पुराना धातु रोग में आपको आराम मिल जाएगा। और सभी प्रकार के वीर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो भी वीर दोस्त हैं, वो सारी बीमारियों को समाप्त करके धातु को आपको गाढ़ा करेगा, पुष्ट करेगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए धातु के मरीजों के लिए बहुत अच्छा औषधि प्रयोग है दोस्तों ये, एक हफ्ते में ही दोस्तों। और परहेज रहेगा, गुड़ नहीं खाना है, तेल खटाई मिर्च मसाला ये चीज़ का सेवन नहीं करना दोस्तों, मूंग का दाल का सेवन करें, दाल रोटी का सेवन करें, तो ये चीज़ें खा सकते हैं दोस्तों, सादा सिंपल भोजन का प्रयोग करें। और बहुत ही अच्छी चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों इसका, और वीर को गाढ़ा करेगा, पुष्ट करेगा और वीर से संबंधित सभी बीमारियों को नष्ट करेगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे जिनके शरीरों में छिब्बे हो जाते हैं, चिट्टे पड़ जाते हैं दोस्तों सफ़ेद, उसके लिए दोस्तों इसके पत्ते का रस लगाओ दोस्तों, और या फिर इसके जो पत्ते को तोड़ के जो दूध निकलेगा दूध लगाओ, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में दोस्तों छिब्बा रोग समाप्त हो जाएगा, सफ़ेद दाग चिट्टे। और यह जड़ों को पीस के बढ़िया घोंट के और जड़ का भी सेवन करो, और पत्ते को बढ़िया पीस के रस को लगाओ, तो दोस्तों इससे बहुत ही कम समय में आपको छिब्बा रोग से आराम मिल जाएगा दोस्तों, जो भी चिट्टे पड़ गए हैं शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग, उससे आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए, बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग।